इंदौर के 85 वार्ड में सबसे पहले विधानसभा 3 के वार्ड क्रमांक 57 हुआ कोरोना वैक्सीन के दोनों डोज 100% वैक्सीनेटेड हो चुका है, जिसको लेकर जोन कार्यालय पर जमकर जश्न मनाया गया। वार्ड 57 की पूर्व पार्षद ने स्वास्थ्य कर्मी व निगम कर्मियों को खिलाई मिठाई खिलाकर बधाइयां दी गई, साथ ही वैक्सीनेशन सेंटर पर आतिशबाजी की गई। आपको बता दें 10 नवंबर से कोरोना वैक्सीन का सेकेंड डोज लगाने का अभियान जिला प्रशासन द्वारा शुरू किया गया था, जिसमें वार्ड क्रमांक 57 ने दोनों डोज का लक्ष्य पूरा कर लिया है। वार्ड क्रमांक 57 में कुल 23,644 लोग हुए वैक्सीनेटेड। दोनों डोज का लक्ष्य पूरा करने के बाद जोन क्रमांक 57 कार्यालय पर स्वास्थ्य कर्मी नगर निगम कर्मचारी द्वारा आतिशबाजी कर एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जश्न मनाया गया। वैक्सीनेशन हो गया है यहाँ के, क्या अगर बात करें तो यहाँ की कुल इस वार्ड की पॉपुलेशन कितनी है और किस तरीके से आप लोगों ने योजनाबद्ध तरीके से काम किया है? वैक्सीनेशन में फर्स्ट डोज में भी वार्ड 57 हमारा आया था और सेकेंड डोज में भी हमारा वार्ड 57 वापस नंबर वन आया। इसके लिए मैं सभी पूरी स्वास्थ्य विभाग की पूरी टीम को, एनजीओ की पूरी टीम को, मेरे बूथ के सभी कार्यकर्ताओं को और समस्त जनता को बहुत बहुत शुभकामनाएं भी देती हूँ, धन्यवाद प्रेषित करती हूँ। हमारी कुल वोटर संख्या यहाँ पर वार्ड 57 में 23,690 है, जो 100% वैक्सीनेशन हो गया है। और हमारे वार्ड में जो कुल वैक्सीनेशन हुआ है अभी से, आज से जब से अभी तक का, उसमें 1,07,791 और 35 समथिंग ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें डॉक्टर सजेस्ट करेगा जब भी वो वैक्सीन करवा पाएंगे, उनके भी हमारे पास में सर्टिफिकेट हैं, जब वो होगा तो उसको भी 100% करेंगे। फर्स्ट डोज तो लगवा लिया है लेकिन सेकंड डोज के साथ कोई ऑफिस का बहाना बनाता है या घर पे नहीं होने की मौजूदगी बताता है, किस तरीके से प्लान आउट आप लोगों ने किया है कि सेकंड डोज को भी पूरा फुल वैक्सीनेटेड आपने आपके वार्ड को किया? देखिए, हमारा सबसे मेन टारगेट था कि जिस तरह की महामारी आई थी तो हम कोरोना काल से ही डोर टू डोर सभी से बंधे हुए थे और जिस तरह वैक्सीनेशन स्टार्ट हुआ था तो मुझे बड़ा गर्व है कहने के कि मेरे वार्ड में, हमारे वार्ड में 20 सेंटर चल रहे थे और 8 सेंटर कंटिन्यू चल रहे थे। और इसी तरह से हमने, हमारा जो अचीवमेंट था कि हम जो कोरोना महामारी के जो वैक्सीनेशन है उसको पूरा कराएं और उसमें हम 100% पास हुए हैं सब पूरे क्षेत्र में। और हमारी एक मॉनिटरिंग थी कि हमारा एक एनजीओ का पूरा टीम हमारे साथ रहता था, हम भी उनके साथ में रहते थे, मेरे वार्ड के जो कार्यकर्ता थे वो भी उनके साथ रहते थे, इसलिए हमने डोर टू डोर जाकर इस तरह का वैक्सीनेशन को 100% दिया है। मैं तो सभी को ये कहना चाहती हूँ कि जिस तरह से हम लोगों ने कोरोना महामारी को बड़ी विकट परिस्थितियों में देखा है, ऐसी स्थिति आगे ना बने। हमारे वार्ड में सभी ने बहुत अच्छा साथ दिया और सबने आगे बढ़कर ये काम करा है और हम 100% हुए हैं। मेरा आप सभी के माध्यम से निवेदन है कि जिन लोगों ने वैक्सीनेशन नहीं लिया है वो जल्दी से जल्दी फर्स्ट सेकेंड डोज कम्प्लीट करवाएँ और सैनिटाइज़र और मास्क का उपयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम दीपिका कमलेश नाचन है, मैं वार्ड 57 से पार्षद हूँ।